दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 35 से 40,000 के अंदर में कौन सा DSLR कैमरा आपके लिए बेस्ट होगा। पहले आपको समझना होगा आप किस पर्पज से DSLR कैमरा को खरीदना चाहते हैं। एक होता है फोटोग्राफी, एक होता है वीडियोग्राफी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस बजट में कौन सा कैमरा फोटोग्राफी के लिए अच्छा होगा और कौन सा कैमरा वीडियोग्राफी के लिए अच्छा होगा। मैं आपको दो कंपनी का कैमरा के बारे में बताऊंगा, एक होगा कैनन, एक होगा निकॉन, क्योंकि मैं पर्सनली ये दो कंपनी का कैमरा को यूज किया हूँ, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊंगा कौन सा कैमरा बढ़िया होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको भी दबा देना ऐसे से वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फोटोग्राफी करने के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होगा और वीडियोग्राफी करने के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होगा, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीन कैमरा के बारे में बताऊंगा, मैं लास्ट से काउंट करूंगा, इसलिए मेरे तीन नंबर पर है निकॉन 5300। सेंसर की बात करें यहाँ पर आपको सीमोस सेंसर मिल जाएगा और इमेज प्रोसेसिंग आपको 64 मिलेगा। इस कैमरे के मेगापिक्सल की बात करें यहाँ पर आपको 24.2 मेगापिक्सल मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें इस कैमरे में आपको 3.2 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब इस डिस्प्ले से आप अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी खींच सकते हैं और डिफरेंट एंगल से पिक्चर भी खींच सकते हैं। इसके बाद आता है कंटिन्यूअस शटर काउंट, यहाँ पर आपको 5 FPS कंटिन्यूअस शटर काउंट मिल जाएगा। सबसे बढ़िया है इसका ऑटो फोकस पॉइंट, यहाँ पर आपको 39 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाएगा। आप इस कैमरे से 100 से 25,600 तक ISO को यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको लो लाइट में एक बढ़िया पिक्चर मिल सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें आप इसे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1920x1080 तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो 60p पे रिकॉर्ड होगा। 60p पे वीडियो रिकॉर्ड करने का फ़ायदा क्या है, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप बहुत ही इजी तरीके से वीडियो को स्लो मोशन कर सकते हैं। इसके बाद से बैटरी परफॉर्मेंस, अगर आप कैमरा को फुल चार्ज करेंगे तो आप कैमरे से 600 पिक्चर खींच सकते हैं। शटर स्पीड की बात करें आप 1/4000 तक शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं। इस कैमरे में आपको इमेज ट्रांसफर करने के लिए वाईफाई मिल जाएगा। आप बात करेंगे इसका प्राइस, D5300 विथ 18-55 लेंस के साथ आपको ऑनलाइन में 34,990 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट देखेंगे तो प्राइस आपको कम पड़ेगा। अगर आपका बजट और भी लो है तो मेरे चैनल में आपको और भी एक वीडियो मिल जाएगा 25,000 के अंदर में बेस्ट DSLR कैमरा, मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहीं से जाके देख सकते हैं। कैनन 200D, यहाँ पर आपको सीमोस सेंसर मिल जाएगा और इमेज पोजीशन करने के लिए डिजिट 7 पोजीशन मिलेगा। मेगापिक्सल की बात करते हैं यहाँ पर आपको 24.2 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगा। 3 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाएगा जो टच स्क्रीन के साथ आएगा और डिस्प्ले को आप 36 डिग्री एंगल पर मूवमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यूस शूटिंग की बात करें यहाँ पर आपको 5 FPS कंटिन्यूस शूटिंग मिल जाएगा। FPS का मतलब है फ्रेम पर सेकेंड। इस कैमरे में आपको 100 से 25,600 तक ISO आप बढ़ा सकते हैं, मतलब आप लो लाइट में वीडियो पिक्चर दोनों ही खींच सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो 1920x1080 में रिकॉर्ड होगा। मैक्सिमम आप 60p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी परफॉर्मेंस, अगर आप कैमरा को फुल चार्ज करेंगे तो इस कैमरे से आप 650 पिक्चर खींच सकते हैं। कैनन 200D में आपको सिर्फ 9 ऑटोफोकस पॉइंट मिलेगा, ये थोड़ा सा कम है, पर आपको इस कैमरे में आपको डुअल पिक्सल ऑटोफोकस मिलेगा जो बहुत ही बढ़िया है वीडियो करने के लिए। इस कैमरे में आपको 1/4000 तक शटर स्पीड मिल जाएगा। इमेज एंड वीडियो ट्रांसफर करने के लिए आपको वाईफाई मिलेगा। प्राइस की बात करें इस कैमरे को आप 18-55 लेंस के साथ खरीदेंगे तो इसका प्राइस आपको 40,800 तक ऑनलाइन में मिल जाएगा। निकॉन D5600, इस कैमरे में आपको सीमोस सेंसर मिल जाएगा। इस कैमरे में आपको 24.2 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें इस कैमरे में आपको 3.2 इंच का TFT LCD डिस्प्ले मिलेगा जो टच स्क्रीन होगा और मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 FPS कंटिन्यूस शूटिंग मिलेगा। यहाँ पर आपको 39 ऑटोफोकस मिलेगा। आपको 100 से 25,600 तक ISO आप यूज कर सकते हैं।
फुल एच डी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो 1920x1080 पे रिकॉर्ड होगा और मैक्सिमम 60p पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप कैमरा को फुल चार्ज करेंगे तो आप कैमरे से 970 पिक्चर खींच सकते हैं। इस कैमरे में आपको इमेज ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ वाईफाई मिल जाएगा। प्राइस की बात करें, अगर इस कैमरे को आप 18-55 लेंस के साथ खरीदते हैं तो ऑनलाइन में आपको 37,990 रुपये में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अभी मैं अपना ओपिनियन आपको शेयर करूंगा। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप निकॉन 5600 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे में आपको 39 ऑटोफोकस मिल जाएगा और सबसे अच्छा इसका बैटरी परफॉर्मेंस। इस कैमरे से आप 970 पिक्चर खींच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कैमरा है इस बजट में। अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, मैं आपको रेफर करूंगा कैनन 200D। क्यों? रीज़न है, यहाँ पर आपको ड्यूअल ऑटोफोकस मिल रहा है, और एक रीज़न है, कैनन का वीडियोग्राफी बहुत ही अच्छा होता है। आप यूट्यूब में देखेंगे तो कैनन 200D से मैक्सिमम यूट्यूबर वीडियो रिकॉर्ड करता है। ड्यूअल ऑटोफोकस का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ड्यूअल ऑटोफोकस की मदद से कैमरा कोई भी सब्जेक्ट को बहुत ही फास्ट तरीके से फोकस में ले लेता है, जो कैनन 200D में आपको मिलेगा। इसलिए वीडियोग्राफी करने के लिए मैं आपको रेफर करूँगा कैनन 200D, बहुत ही बढ़िया है। इस तीन कैमरे में कौन सा कैमरा आपको अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद जो नोटिस बेल आइकन है उसको भी दबा देना, और मेरा फैमिली का मेंबर बन जाइए। फिर से मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अच्छे से रहिए, सबको अच्छे से रखिए।